नमस्कार, खबर दिन भर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे दिल्ली से मिल रही बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के दौरे पर है विष्णुदेव साय और उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। केंद्रीय गृह मंत्री के आवास पर यह मुलाकात हुई। जेपी नड्डा भी पहुंचे इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री के आवास पर, वो भी इस मुलाकात के दौरान मौजूद रहे। दिल्ली के दौरे पर हैं सीएम विष्णुदेव साय, जहां उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की है, अमित शाह से मुलाकात की है, और इसी दौरान जेपी नड्डा भी केंद्रीय गृह मंत्री के आवास पहुंचे और सहयोगी अशरफ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। अशरफ, मुलाकात हुई केंद्रीय गृह मंत्री से, खास बात यह कि जेपी नड्डा भी वहां पहुंचे, क्या कुछ अपडेट? ललित, अभी मुलाकात चल रही है, मुख्यमंत्री यहीं मौजूद हैं। एयरपोर्ट से जैसे आए वो कुछ देर अपना छत्तीसगढ़ सदन गए और फिर उसके बाद सीधे यहाँ गृह मंत्री के आवास पर आ गए, और मुख्यमंत्री के आने के 5 मिनट बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहाँ पहुंचे हैं। तो संभावना जो व्यक्त की जा रही है कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर की जा रही है कि उसमें किस किस को पार्टी अपना चेहरा बनाएगी, कौन उम्मीदवार होंगे, क्योंकि बैठकों का जो दौर था कमोबेश वो पूरा हो चुका है। अब यहाँ पर मुख्यमंत्री मौजूद हैं, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं और गृह मंत्री, तो तीनों बैठकर जो संभावित नाम हैं उन पर लेकर चर्चा की जा रही होगी, वो नामों पर अंतिम मोहर लगाई जा रही होगी। इसके अलावा आगामी लोकसभा चुनाव कैसे जनता के बीच में जाएंगे, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे, क्या विधानसभा चुनाव के मुद्दे लोकसभा चुनाव में रहेंगे या कुछ अलग होंगे, वो तमाम रणनीतिक जो बातें हैं, जो मुद्दे हैं, वो यहाँ पे अभी चर्चा की जा रही है। ललित, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अशरफ विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और हरदा में पटाखे फैक्ट्री में जो अग्निकांड हुआ उसके बाद हर जगह प्रशासन एक्शन में आया है। ग्वालियर में 14 पटाखा दुकान और गोदाम सील कर दिए गए हैं, नियमों के उल्लंघन का आरोप है। ग्वालियर देहात इलाके में भी कार्रवाई की गई है, 4 गोदाम यहां पर भी सील कर दिए गए हैं। हरदा में हुए विस्फोट के बाद लगातार एक्शन लिया जा रहा है। ग्वालियर में 14 पटाखा दुकान और गोदाम सील कर दिए गए हैं। ये पटाखा विक्रेताओं को लाइसेंस जारी किए गए थे, तो ये समय समय पर इनका भौतिक सत्यापन, जो शर्तें लाइसेंस में दी गई हैं उनका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस संबंध में ये स्थल पर फिजिकली इनका सत्यापन किया जा रहा है। और संवाददाता सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे और ज़्यादा जानकारी लेंगे। सुशील, हरदा कांड के बाद ये एक्शन नज़र आ रहा है, एक बात हालांकि ज़रूर है, ये कहा गया कि हम समय समय पर भौतिक सत्यापन करते हैं, अगर समय समय पर सत्यापन होते तो हरदा जैसा कांड ही ना होता। सुशील, बिल्कुल सही बात। देखिए, हरदा जैसा कांड ही नहीं होता, हालांकि अब हरदा कांड होने के बाद पूरा मध्य प्रदेश में प्रशासन जो है चौकस है। ग्वालियर में भी आज दिन भर कार्रवाई की गई और प्रशासन और पुलिस की टीमों ने ग्वालियर के जो प्रमुख पटाखा बाजार था गुरवाई इलाके में, वहां 14 दुकानों की जांच की थी और दोपहर से लेकर शाम तक जब उनका जो रजिस्टर था वो नहीं पेश कर पाए, इसके अलावा जो शर्तें थी उनका भी उल्लंघन पाया गया लाइसेंस की, इसके अलावा जो 4 देहातों में गोदाम थे उन गोदामों में भी लाइसेंस ना होने के चलते उनको सील करने की कार्रवाई की गई, और जो पटाखा दुकानें थी 14 दुकानें इनको शाम के वक्त जो है रजिस्टर उपलब्ध ना कराने के चलते फिर सील किया गया और इन सभी 14 दुकानों को नोटिस भी जारी कर दिया गया है कलेक्टर की तरफ से। तो निश्चित तौर पर प्रशासन की एक बड़ी कार्रवाई है, पूरे जिले भर में अब कार्रवाई चल रही है, लेकिन जैसा कि आपने कहा निश्चित तौर पर अगर समय समय पर इस तरह की कार्रवाई होती रहे तो हरदा जैसे हादसे ना होंगे, अगर प्रशासन इसी ना हरदा जैसे हादसे होंगे, नया 4 गोदाम दुकान ये मिलेंगी, 14 दुकानें और गोदाम जिन्हें सील करने की नौबत आती। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इधर सीधी में भी इसी तरह का एक्शन नजर आया है, पटाखा दुकानों पर प्रशासन ने दबिश दी है, रहवासी इलाकों में पटाखा गोदाम मिले दुकानदारों को कलेक्टर ने सख्त हिदायत दी है कि रहवासी इलाकों से गोदाम हटा लिए जाएं। इसके बाद पटाखे से जुड़े कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है।
तो हादसे के बाद सीधी का जो प्रशासन है वो जागा है और ये एक्शन लिया जा रहा है। जगह जगह पटाखा गोदामों, पटाखा दुकानों और गोदामों पर जो टीम है वो पहुंची है, भौतिक सत्यापन किया गया है।